नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। एक दौर था जब क्रिकेट के मैदान पर वेस्टइंडीज टीम का एक छत्र राज चलता था। तब इस टीम के तेज गेंदबाजों की रफ्तार और फिर बल्लेबाजों के बल्ले की धार से हर कोई खौफ खाता था। तब इस टीम से टकराने की हिम्मत किसी में नहीं होती थी। इस टीम ने कई बड़े कीर्तिमान तब अपने नाम किए। पहले दो विश्व कप इसी टीम ने जीते थे। वेस्टइंडीज को पहला विश्व कप जिताने वाले कप्तान क्लाइव लॉयड ने अपने नाम एक अनोखा रिकॉर्ड दर्ज किया, और वो रिकॉर्ड है कप्तान के तौर पर विश्व कप जिताना और फिर किसी विश्व कप के फाइनल में मैच रेफरी बनना। दरअसल क्लाइव लॉयड ने 1975 और फिर 1989 के विश्व कप में कप्तानी की, और फिर क्लाइव लॉयड 1996 के विश्व कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के मैच में मैच रेफरी भी रहे। लेकिन जिस वक्त कैरेबियाई टीम का डंका बजता था, तब उसके विजय रथ को रोकने वाली टीम भारत ही थी। 1983 में खेले गए तीसरे विश्व कप में कैरेबियाई खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन के बूते पर फाइनल में जगह बनाई। खिताबी मुकाबला वेस्टइंडीज बनाम भारत के बीच था। उस वक्त भारत को विश्व कप का दावेदार नहीं माना जाता था। सभी को लगा कि क्लाइव लॉयड की मजबूत टीम भारत को हरा देगी और विश्व कप जीतकर विश्व कप की हैट्रिक लगाएगी। मगर कपिल देव की अगुवाई में भारतीय टीम ने बड़ा उलटफेर करते हुए वेस्टइंडीज को इस फाइनल में 43 रनों से हरा दिया और फिर पहली बार विश्व कप जीता। क्लाइव लॉयड को वेस्टइंडीज के शानदार कप्तान और शानदार खिलाड़ी के तौर पर देखा जाता है। क्लाइव लॉयड ने करीब 19 साल तक क्रिकेट खेला। 1966 में भारत के खिलाफ पहला इंटरनेशनल मैच खेलने वाले लॉयड 1985 में रिटायर हुए। इस दौरान उन्होंने 110 टेस्ट मैच खेले, जिसमें 46.67 के औसत से 7,515 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से 19 शतक और 39 अर्धशतक निकले। टेस्ट में लॉयड का हाईएस्ट स्कोर 242 रन है। वहीं वनडे क्रिकेट की बात करें तो लॉयड ने 87 मैच खेलकर 1,977 रन बनाए हैं। लॉयड ने वनडे में एक शतक लगाया है। तो क्लाइव लॉयड दुनिया के एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जो फाइनल में खेले भी और फाइनल मैच में मैच रेफरी भी रहे। क्रिकेट से जुड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। नमस्कार।